आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को किया लॉन्च। इस मौके पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी से वीडियो लिंक के जरिए जुड़े रहे। एमपी में भी आया लव जिहाद के खिलाफ कानून। शिवराज सरकार ने दी है मंजूरी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून विधेयक 2020 को कैबिनेट की मिली है मंजूरी। अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा। 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र होगा प्रस्तावित। कोरोना के नए स्ट्रेन पर बोले एम्स के राष्ट्रीय टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। महीने में 2 बार रूप बदलता है वायरस, घबराने की जरूरत नहीं। ब्रिटेन में सामने आए नए कोरोना स्ट्रेन ने राजस्थान सरकार को परेशानी में डाला है। पिछले एक सप्ताह में 800 से ज्यादा ब्रिटिश पर्यटकों ने राज्य के 28 जिलों में किया है प्रवेश। ब्रिटिश पर्यटकों को ट्रैक करने में जुटी है सरकार। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने शुक्रवार को कोरोना की वैक्सीन ली। शुक्रवार को कोरोना से 9 लोगों की हुई है मौत। 178 नए मामले आए सामने। इसी के साथ सऊदी में अब तक 3,61,903 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। क्रिसमस के दिन अमेरिका के नैशविल शहर में हुआ बम विस्फोट। जिस क्षेत्र में बम विस्फोट हुआ उस शहर के पर्यटन का केंद्र माना जाता है। जैसे ही बम विस्फोट की घटना घटी आसपास की इमारतें हिल गई। FBI कर रही है अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जांच। ब्रिटेन में पैदा हुआ कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट स्ट्रेन जापान तक पहुंच गया है। ब्रिटेन से आए व्यक्तियों में निकले कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण 70% तक है ज्यादा संक्रामक। और वहीं उदयपुर में रूबिया गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 4 बच्चों की हत्या करने के बाद शख्स ने आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज किया। लखनऊ में मशहूर टुंडे कबाबी की दुकान पर रेस्टोरेंट के कर्मचारी और कुछ ग्राहकों के बीच मारपीट हो गई है। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। बांदा में एक कच्चे घर में लगी आग में मां और 3 मासूम बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरीदाबाद पुलिस ने मनोज भाटी हत्याकांड का खुलासा किया। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मर्डर का मास्टरमाइंड मनोज अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आगरा में एक युवती के खाते से एक शख्स ने 72,000 रुपए निकाल लिए। जांच में खुलासा होने पर पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कर्ज चुकाने के लिए रकम निकालने का प्लान बनाया। केरल में बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक ये मामला ऑनर किलिंग का लग रहा है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में। हरियाणा के यमुनानगर में 5 बदमाशों ने एक शख्स को बंधक बनाकर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू। और वहीं बलिया में देर रात ट्रक और बुलेरो की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। ब्रिटेन से हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लौटे अधिकतर यात्रियों के मोबाइल फोन बंद होने से राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी परेशान हैं। अधिकारी लगातार सभी लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान COVID-19 से 23 लोगों की मौत हुई जबकि 2,070 नए मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 760 नए मरीज मिले। सभी मरीजों को अस्पताल में किया भर्ती। दिल्ली में कोरोना मामले की कुल संख्या 6,21,000। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की हुई मौत। 1,023 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,031 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 12 लोगों ने कोरोना के चलते अपना दम तोड़ा। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान कल अपना 55वां जन्मदिन मनाएंगे। इस खास मौके पर बिग बॉस 14 के घर पर ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी है। सलमान खान का जन्मदिन घर वाले बड़ी धूमधाम से मनाते नजर आएंगे। एक्टर सनी लियोनी ने पति बच्चे और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ धूमधाम से क्रिसमस मनाया। उन्होंने इस सेलिब्रेशन की कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की। मलयालम सिनेमा का जाना माना नाम रहे एक्टर अनिल पी का निधन हो गया। दरअसल नहाते वक्त वे पानी में डूब गए थे जिससे उनकी डेथ हो गई। इंडिया मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के भतीजे सिराज कास्कर की कोरोना के चलते कराची में मौत हुई। उसे कोरोना हो गया था। वो 1 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती था लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।